चैप्टर नंबर 12, फर्स्ट एमसीक्यू है, अ सर्कल पासेस थ्रू द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी विद मेजरमेंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर्स, मेजरमेंट ऑफ बी सी 4 एंड एंगल सी इज इक्वल टू 90, रेडियस ऑफ दिस सर्कल। आप जरा गौर करें यहां पर कि जो राइट ट्राइंगल की बात हो रही है उसका राइट एंगल कौन से पॉइंट के ऊपर बन रहे हैं, पॉइंट सी के ऊपर। तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं अपने सामने और ये जो राइट इसका एंगल है उसे हम प्लेस करवा देते हैं इस पॉइंट सी के ऊपर, ठीक है। फिर इसके अलावा बाकी आपकी मर्जी है, किसी एक पॉइंट को आप ए के साथ रिप्रेजेंट कर दें और तीसरे पॉइंट को आप बी के साथ रिप्रेजेंट कर दें। फिर आपने इसके गिर्द एक सर्कल ड्रॉ कर देना। अब देखें जरा कि यहां पे हम मेंशन कर देते हैं ए से लेके सी तक का डिस्टेंस है हमारे पास 3 सेंटीमीटर्स, बी से लेके सी तक का डिस्टेंस है हमारे पास 4 सेंटीमीटर्स। अब याद रखिएगा, जब भी आप किसी राइट एंगल ट्राइंगल को इंस्क्राइब करते हैं, कैद करते हैं, क्लोज करते हैं किसी सर्कल के अंदर, ठीक है, यानी ट्राइंगल राइट ट्राइंगल अंदर हो और उसके बाहर सर्कल उसके तीनों वर्टिसेस को टच कर रहा हो, तो याद रखिएगा ऐसी राइट ट्राइंगल का जो हाइपोटन्यूज होता है वो इस इंस्क्राइब सर्कल का डायामीटर होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं इस सर्कल के डायामीटर की और उसको मैं डी के साथ रिप्रेजेंट करूं तो डायामीटर ऑफ दिस सर्कल विल बी इक्वल टू द हाइपोटन्यूज ऑफ गिवन राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटन्यूज इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। अब आप देखें बेसिकली पिथागोरस थ्योरम की मदद से जो है हमें हाइपोटन्यूज तक पहुंचना है। तो अब इसको हम जरा यहां पॉज करते हैं, रोक देते हैं और इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखें हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू पिथागोरस थ्योरम हाइपोटन्यूज स्क्वायर्ड इज इक्वल टू बेस स्क्वायर्ड प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर्ड। तो यहां से आप देखें जरा कि ये 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 विल बी इक्वल टू 25। अब आप दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लें तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 सेंटीमीटर। अब डायमीटर आपके पास आ चुका है 5 सेंटीमीटर, इसको आप पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, बट वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द रेडियस एंड रेडियस इक्वल्स द हाफ ऑफ डायमीटर। तो डी की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड एमसीक्यू है, इसमें देखें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ सेंट्रल एंगल, ये सेंट्रल एंगल कौन सा एंगल होता है। तो आपने याद रखना है एक ऐसा एंगल कि जिसका वर्टेक्स सर्कल के सेंटर के ऊपर लाई करे, ठीक है, एक ऐसा एंगल जिसका वर्टेक्स सर्कल के सेंटर के ऊपर लाई करता है उस एंगल को हम सेंट्रल एंगल कहते हैं। तो ये जरा एंगल 2 को आप देखें, ये पॉइंट इस एंगल का वर्टेक्स है, सर्कल के सेंटर के ऊपर मौजूद है इस एंगल 2 का वर्टेक्स। देयरफॉर एंगल 2 जो है वो इस एमसीक्यू में क्या हुआ, सेंट्रल एंगल। इसके बाद सेकेंड आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ सर्कम एंगल, तो ये भी बड़ा आसान है याद रखना। देखें एक ऐसा एंगल के जिसका जो वर्टेक्स है वो जो साइड्स का कॉमन एंड पॉइंट है वो सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर लाई करे, तो ऐसे एंगल को हम सर्कम एंगल कहते हैं। अब देखें एंगल 1 इसका जो वर्टेक्स है पॉइंट सी पे सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहे हैं, सो पता चला एंगल 1 इज अ सर्कम एंगल। अब वो जो थ्योरम है चैप्टर नंबर 12 का फर्स्ट या सेकंड है वो आपको सर्कम एंगल और सेंट्रल एंगल के दरमियान में एक रिलेशन प्रोवाइड करता है। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ये होता है कि आप याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम अगर हम सर्कम एंगल को ट्वाइस करें, इसको डबल करें, यानी सर्कम एंगल की मेजरमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टिंग एंगल इक्वल आता है सेंट्रल एंगल के। तो पता चला कि सेंट्रल एंगल इक्वल्स द ट्वाइस ऑफ करिस्पॉन्डिंग सर्कम एंगल। इसको आप यूं समझें जरा, ये जो माइनर आर्क है ए बी ये वाली सारी, इसके ऑपोजिट है ना ये सेंट्रल एंगल, एंगल नंबर 3 ये इसके ऑपोजिट है। यहां पे ऐसे लिख दिया मैंने, और इसके दूसरी जो करिस्पॉन्डिंग मेजर आर्क है ये ऊपर वाली सारी, इस आर्क के ऊपर जो सर्कम एंगल बन रहा है ये इसका करिस्पॉन्डिंग सर्कम एंगल है। तो ये सिचुएशन हो तो इन दिस सिचुएशन वी से दैट सेंट्रल एंगल इक्वल्स 2 टाइम्स द सर्कम एंगल। अब आप देखो जरा यहां वैल्यूज डाल दो, सेंट्रल एंगल को आपने एंगल 3 के साथ रिप्रेजेंट कर रखा है और ये फॉर्मूला का 2 आ गया, और सर्कम एंगल को आपने एंगल जो है 1 के साथ आपने रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू द 2 टाइम्स द मेजरमेंट ऑफ एंगल 1।
ये यहाँ पे आई गेस सो के ये मुझे जरा इंक आप रेज करने दें, ये डायग्राम के अंदर मुझे नजर सही नहीं आ रहा, ये एंगल वन और टू है, आई एम सॉरी, ये एंगल वन है ना, ये एंगल टू है, तो वो जो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा था उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू टू और सरकम एंगल इज इक्वल टू वन, तो सरकम एंगल वन को ट्वाइस करेंगे तो ये जो है सेंट्रल एंगल के इक्वल आ जाएगा, तो इस लिहाज से हमारे पास राइट ऑप्शन होगा बीटा ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर थ्री, इन द एडजेसेंट फिगर इफ मेजरमेंट ऑफ एंगल थ्री इज इक्वल टू 75, ये एंगल जो सेंटर के ऊपर बन रहा है ये आपको गिवन है 75 डिग्रीज, और एंगल वन और टू आपने बताने हैं। जैसा प्रीवियस स्लाइड पे हमने पढ़ा कि ये जो सर्कम एंगल होता है ये सेंट्रल एंगल से हाफ होता है, इन अदर वर्ड्स वी से दैट कि सेंट्रल एंगल जो है इस सर्कम एंगल से ट्वाइस होता है। यहाँ पे मैं जरा फॉर्मूला लिख देता हूँ कि जो सेंट्रल एंगल होता है वो इक्वल होता है 2 टाइम्स द करस्पॉन्डिंग सर्कम एंगल। अब आप जरा एंगल वन और थ्री की बात करते हैं, एंगल थ्री हमारे पास सेंट्रल एंगल है, मेजरमेंट ऑफ एंगल थ्री लिख दिया हमने और इज इक्वल टू 2 टाइम्स, अगर सर्कम एंगल दो है ना, पॉइंट सी वाला और पॉइंट डी वाला, तो बारी बारी दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं, सबसे पहले एंगल वन को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब एंगल थ्री गिवन है हमें इक्वल टू 75 डिग्रीज, एंगल थ्री की जगह 75 आ जाएगा और ये राइट साइड पे जो टू था वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो आप देखो कि यहां से मेजरमेंट ऑफ एंगल वन कितना निकला, 37.5 डिग्रीज, 37.5, तो 37.5 जो है वो अल्फा ऑप्शन के पास भी है, बीटा के पास भी है, चार्ली भी है, तो आपको नहीं पता अभी करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो सेकंड भी कैलकुलेट कर लें आप। और जो है ये मेजरमेंट ऑफ एंगल टू, ये सरकम एंगल है, ये भी उसी तरह इक्वल होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल थ्री डिवाइडेड बाई टू के, तो वही 75 डिग्रीज डिवाइडेड बाई टू, यानी ये भी 37.5 डिग्री आ गया। और एक और बात भी है कि ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल इक्वल होंगे बिकॉज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर फोर, गिवन दैट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल द एंगल मार्क्ड एक्स विल बी व्हाट, आप जरा गौर करें इस डायग्राम के ऊपर, लेट मी चेंज द कलर, देखें ये एंगल एक्स आपसे पूछा जा रहा है, इसको आपने फाइंड आउट करके दिखाना है, और आपको गिवन है कि ये जो एंगल है 25 है, 25 के इक्वल है। अब जरा आप इस ट्राइंगल के ऊपर गौर करें जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है, इसको अगर हम नाम दे दें, सेंटर ओ है, ये पॉइंट ए और ये जो है फॉर एग्जाम्पल पॉइंट बी, आप देखें जरा हम यहां बात करते हैं कि इन ट्राइंगल ओ ए बी, आप देखें एंगल एक्स इज द एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, और आप पढ़ चुके हैं कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू द सम ऑफ नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स, इसके नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स दो हैं, एक ये और दूसरा ये 25 वाला है। अब आप देखें ये ओ बी एंड ओ ए आर द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, सो ये इक्वल साइड्स हैं, इक्वल ऑपोजिट एंगल्स, सो ये 25 एंगल अगर पॉइंट बी पे बनने वाला एंगल 25 है तो ये पॉइंट ए पे बनने वाला एंगल भी 25 होगा, और एक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स, यानी एक है मेजर एंगल ओ बी ए एंड सेकेंड है मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ ए बी, दोनों इक्वल हैं 25 25 डिग्रीज के, तो 25 + 25 जब आप करेंगे तो एक्स विल बी इक्वल टू 50 डिग्रीज, तो फॉर दिस रीजन चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 5, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि एक्स की वैल्यू है इक्वल टू 50 डिग्रीज, तो इस क्वेश्चन में डायग्राम सेम है, जस्ट आपने इस वाई की वैल्यू निकाल के दिखानी है कि वाई इक्वल्स व्हाट, तो आप देखें जरा अगर मैं इन दोनों एंड पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दूं तो इसके नीचे जो सर्कल का ये रीजन आएगा दिस इज कॉल्ड द माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और इसके ऊपर ये जो करिस्पॉन्डिंग है दूसरा पार्ट सर्कल का रीजन ये सारा, इसको हम कहेंगे ये उसके निस्बत बड़ा है तो उस लिहाज से इसको हम कहेंगे इट इज अ मेजर सेगमेंट। अब आप जरा गौर करें कि ये जो एंगल है आपके पास y और 25 दोनों ऐसी एंगल्स हैं जो सर्कल के सेम कॉमन मेजर सेगमेंट के अंदर मौजूद हैं, इन दोनों का सेगमेंट सेम है, और आपने थ्योरम पढ़ा था
कि द एंगल्स विच हैव विच लाई इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, द एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, इस थ्योरम को आपने चैप्टर 12 में प्रूव भी किया था। तो इनका सेगमेंट सेम होने की वजह से दे विल बी इक्वल, देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज द बी ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 6, इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ए बी एन इज अ स्ट्रेट लाइन, द ऑब्ट्यूज एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एक्स इज व्हाट, इस एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाना चाह रहे हैं। देखें ये चूंकि हमें गिवन है कि सिंस ए बी एन इज अ स्ट्रेट लाइन, इसकी स्ट्रेट लाइन होने की वजह से पॉइंट बी के ऊपर जो एंगल्स बन रहे हैं यानी एंगल बी और 64, इन दोनों का सम इक्वल होगा स्ट्रेट लाइन एंगल 180 डिग्रीज के। यहां से मैं बता दूं, ये देखें ये आपके पास एंगल बन रहा है इक्वल टू 64 और इसके एडजेसेंट ये एंगल है आपके पास बी। अब याद रखिएगा एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, यहां इसके सामने आप ये बता सकते हैं रीजन। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए जो 64 है ये राइट हैंड साइड पे आके 180 में से माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 64 माइनस कर दें आप तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 116, तो बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 116 डिग्रीज। लेकिन हमें तो चाहिए एक्स चाहिए, हमें क्या चाहिए एक्स चाहिए। तो अब आप जरा देखो कि हमारे पास जो है बी आ चुका है, तो हम ये जो आपके पास है ये वाला एंगल इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल को, ठीक है, तो बल्कि रिफ्लेक्स एंगल को। तो बी आ चुका है, आप 2b की वैल्यू कैलकुलेट करें, 2b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 टाइम 116, तो 2b विल बी इक्वल टू 232 डिग्रीज। अब आप देखें जरा कि 2b को अगर x में ऐड करें तो ये वन कंप्लीट रोटेशन बन जाती है, और वन कंप्लीट रोटेशन यानी 2b प्लस x का मतलब होता है 360 डिग्रीज। 2b की वैल्यू आपने कैलकुलेट करके रखी हुई है 232, ठीक है, तो इसको जो है आप पुट कर दें, पुट 2b इज इक्वल टू 232, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 360 डिग्रीज माइनस 232 डिग्रीज, इसको जब आप माइनस करोगे तो यू विल गेट 128 डिग्रीज। डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि बुक में इस क्वेश्चन का आंसर चार्ली ऑप्शन 96 लिखा हुआ है, ठीक है, वो गलत है, इसका राइट ऑप्शन बिल्कुल डेल्टा ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 7, इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल देन द एंगल एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट। आप देखें जरा यहां पे कि ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये क्वाड्रिलेटरल है सर्कल के अंदर, तो ये इसमें कोई इतनी लॉजिक नहीं है, एक्स विल बी इक्वल टू 110, बीटा ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 8, इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल देन एंगल एक्स इक्वल्स व्हाट। आप जरा गौर करें कि पहली बात तो ये हमने नोट कर ली कि हमें एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखानी है, दूसरी बात ये देखें इन तीनों साइड्स के ऊपर जो है ऑलरेडी गिवन है कट का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब ये तीनों साइड्स इक्वल हैं। अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो इसको अगर मैं नाम दे दूं पॉइंट ए का और पॉइंट बी का, तो यहां से पता चलेगा कि ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऐसी ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स तीनों साइड्स इक्वल होती हैं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है। अब अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये तीनों एंगल्स आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल्स 60 डिग्रीज के इक्वल होते हैं, ठीक है, एंगल ए भी 60 होगा, एंगल ओ भी 60, एंगल बी भी 60। अब आप जरा गौर करें यहां पे कि आपके पास इसको हम पॉइंट सी का नाम दे देते हैं, तो ओ सी ओ ए एंड ओ बी आर इक्वल, ये तीनों इक्वल हैं। तो अगर आपके पास ये एंगल जो है एक्स है, एक्स के इक्वल है पॉइंट सी पे बनने वाला, तो पॉइंट ए पे बनने वाला ये जो एंगल होगा दिस विल आल्सो बी इक्वल टू एक्स, ठीक हो गया। अब यहां से जरा हम एक बात नोट कर लेते हैं कि ये जो ट्राइंगल है इन ट्राइंगल ओ ए सी तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो होगा इक्वल टू 180 डिग्रीज, तो ये बना आपके पास 2x प्लस एंगल सी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब अगर हमें एंगल सी ओ ए की वैल्यू पता चल जाए तो हम यहां वैल्यू डालेंगे और x सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। अब आप जरा देखें ये जो एंगल बन रहा है आपके पास ये है इक्वल टू 60 डिग्रीज, यानी एंगल सी ओ ए प्लस एंगल ए ओ बी
इन दोनों की मेजरमेंट्स को जब ऐड किया जाएगा तो ये स्ट्रेट लाइन एंगल बनेगा। आप देखें ना, ये दोनों जो है एडजेसेंट एंगल्स हैं, वी नो दैट एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल। तो पॉइंट ओ पे दोनों साइडों पे बनने वाले इन एंगल्स का सम इक्वल होगा 180 डिग्रीज के। अब हमने देखा था कि एंगल ए ओ बी जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर मौजूद होने की वजह से इक्वल है 60 डिग्रीज के। तो ये 60 डिग्रीज जो है राइट हैंड साइड पे आके माइनस करोगे जब आप, तो 180 माइनस 60 विल बी इक्वल टू 120 डिग्रीज। तो यहां पे अब हम वापस आ जाते हैं, एंगल वन एंगल सी ओ ए की जगह 120 ले आते हैं। अब देखें 120 राइट साइड पे ले जाके आप माइनस करवा दो तो 180 माइनस 120 विल बी इक्वल टू 60। तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2 तो एक्स विल बी इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 2 यानी 30 डिग्रीज। बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 9। इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, देन द एंगल एक्स इज इक्वल टू व्हाट। इस थ्योरम को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक थ्योरम आपके जहन में होना चाहिए कि मैं उसकी स्टेटमेंट लिख के दिखा देता हूं आपको। अ पैरेललोग्राम इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इज एक्चुअली अ रेक्टेंगल। इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि अगर आप किसी पैरेललोग्राम को इंस्क्राइब कर दो, कैद कर दो, क्लोज कर दो किसी सर्कल के अंदर इन सच अ वे दैट कि सर्कल बाहर हो और वो इस पैरेललोग्राम के चारों वर्टिसेस को टच कर रहा हो जैसा इस डायग्राम में गिवन है, तो फिर ऐसी पैरेललोग्राम जो होती है वो सर्कल के अंदर इंस्क्राइब होने की वजह से रेक्टेंगल बन जाती है। रेक्टेंगल बन जाती है तो उसके चारों वर्टिसेस पे बनने वाले एंगल्स राइट एंगल्स हो जाएंगे। अब आप जरा गौर करो कि आप इसको जरा मैं लेबल कर देता हूं आसानी के लिए, ए बी सी एंड डी। देखें जरा पॉइंट बी पे गिवन है आपको ये जो एंगल बन रहा है 30 डिग्रीज है, तो ड्यू टू बीइंग रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल ओ बी इक्वल्स ओ सी, ओ बी एंड ओ सी आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। इस वजह से पॉइंट बी और सी पे बनने वाले ये दोनों एंगल्स इक्वल इक्वल होंगे। तो ट्राइंगल की बात करते हैं हम, इन ट्राइंगल ओ बी सी तीनों एंगल्स का सम करें आप जरा। इस एंगल का नाम है BOC, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल BOC प्लस बाकी दोनों एंगल्स 30 प्लस 30, इन तीनों एंगल्स का सम होता है 180 के इक्वल। तो एंगल BOC यहां से कितना मिल जाएगा आपको, आप देखें कि 30 प्लस 30 60, राइट साइड पे आके माइनस करें 180 माइनस 60 विल बी इक्वल टू 120। तो अगर ये जो एंगल है ये 120 है, देखें एंगल BOC अगर 120 है जिसको मैं ये हाईलाइट करूं डायग्राम में, तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एंगल AOD ये भी 120 डिग्रीज के इक्वल होगा। ऐसी बात है, तो देयरफॉर यहां से हमने इंप्लाई किया कि एंगल AOD इज आल्सो इक्वल टू 120 डिग्रीज। अब आप देखें, हम बात करते हैं दूसरी ट्राइंगल की, इन ट्राइंगल AOD तीनों एंगल्स का सम करें आप, ये दोनों एंगल्स तो इक्वल इक्वल होंगे ना। इसको फॉर एग्जांपल हम वाई का नाम दे देते हैं इन दोनों को, तो इस ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम करें, वाई प्लस एंगल ए ओ डी, मेजरमेंट इसकी ये 180 के इक्वल आएगी। अब आप देखें इसकी वैल्यू क्या है, हमने कैलकुलेट की है 120, तो ये 120 बेसिकली लिखा हुआ है, ये राइट साइड पे ला के जब आप माइनस करोगे तो 180 माइनस 20 विल बी इक्वल टू 180 माइनस 120 विल बी इक्वल टू 60 डिग्रीज। डिवाइड आफ्टर डिवीजन बाय 2, 60 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू 30 डिग्रीज। तो ये y 30 डिग्री आ गया। मैंने आपको बताया कि ये रेक्टेंगल है, सो ये जो कंप्लीट एंगल बन रहा है ये वाला पॉइंट ए पे, ये होगा इक्वल टू राइट एंगल, यानी एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये राइट एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो वाई की वैल्यू अवेलेबल है आपके पास, 30 पुट करवा दें तो राइट साइड पे जब जाके माइनस करेंगे तो 90 माइनस 30 विल बी इक्वल टू 60 डिग्रीज। देयरफॉर डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एमसीक्यू नंबर 10। इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, देन द एंगल एक्स इज इक्वल टू व्हाट। तो यहां से जरा आप देखें पॉइंट सी को सबसे पहले हम मिलाते हैं ओ के साथ। आप देखें जरा, ये एंगल आपको गिवन है इक्वल टू 30 डिग्री। सिंस ओ बी एंड ओ सी आर इक्वल ड्यू टू बीइंग द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, देयरफॉर पॉइंट बी पे बनने वाला एंगल अगर 30 है तो ये वाला जो सा एंगल होगा दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 30 डिग्रीज। ये भी 30 डिग्रीज के इक्वल होना चाहिए। इसी तरह आप देखें कि अगर आपके पास ये पॉइंट ए पे बनने वाला एंगल जो है ये 20 है
तो ओ सी इक्वल्स ओ ए की वजह से इक्वल साइड्स हैव इक्वल ऑपोजिट एंगल्स, तो ये भी कितना होगा 20। अब पॉइंट सी पे बनने वाला ये जो टोटल एंगल है ये इक्वल होगा सम ऑफ 20 एंड 30 के, तो पता चला कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 20 प्लस 30 यानी इक्वल्स 50। लेकिन हमसे तो एंगल एक्स पूछा गया है, एंगल एक्स इज द सेंट्रल एंगल, हम जानते हैं सेंट्रल एंगल इक्वल्स टू टाइम्स द करस्पॉन्डिंग सर्कम एंगल, तो यहां पे आप 50 पुट करेंगे, 52 आर चार्ली ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन।